बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी शुड स्टडी अबाउट पावर इन एसी सर्किट्स। फॉर दिस पर्पस लेट अस कंसीडर वी हैव एन आरएलसी सीरीज सर्किट एंड वी नो व्हाट इज आरएलसी सीरीज सर्किट। अ सर्किट इन विच अ रेजिस्टेंस R, capacitance C, and inductance L are connected in series with alternating voltage source whose EMF is E is called RLC series circuit. The function of source of EMF is to supply electrical energy. हम सब जानते हैं ईएमएफ जो होती है ये एनर्जी सप्लाइड होती है टू दी यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो जो सोर्स है ईएमएफ की, अल्टरनेटिंग जो हमने वोल्टेज सोर्स कही है, दिस इज अ सोर्स ऑफ सप्लाइंग एनर्जी। ये एनर्जी हमें सप्लाई करती है। अब वो एनर्जी जो सप्लाई करती है वो जाती कहाँ पे? जैसा कि हमने कहा कि हमारे पास एक रेजिस्टर R, एक इंडक्टर L और एक कैपेसिटर कैपेसिटर C, ये सीरीज में लगे होते हैं विद एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स। ये हमारे पास अल्टरनेटिंग सोर्स है और इसके साथ हमने ये कैपेसिटर है, ये इंडक्टर है और ये रेजिस्टर है, ये कनेक्ट कर दिए हैं। अब हम बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं रेजिस्टर जो होता है ये एनर्जी डिसिपेट करता है। ये जो बैटरी है, ये जो हमारे पास सोर्स है, ये एनर्जी सप्लाई कर रही है। ये एनर्जी जो सप्लाई कर रही होगी, जब वो रेजिस्टर में से गुजरेगी तो रेजिस्टर उस एनर्जी को डिसिपेट करेगा, मीन अदर फॉर्म्स में कन्वर्ट करेगा, जबकि इंडक्टर और कैपेसिटर उस एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं। इंडक्टर एंड कैपेसिटर आर एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस। We know very well, capacitor stores energy in its electric field. Half CV square, हम जानते हैं। तो capacitor जो होता है वो अपने electric field के अंदर energy store करता है और जो inductor है वो अपनी magnetic field के अंदर energy store करता है, half L I square, half L I square, या हम कहते हैं एनर्जी डेंसिटी फॉर इंडक्टर जो होती है वो 1/2 B² / μ0 होती है, जबकि कैपेसिटर के लिए एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू 1/2 ε₀ ε₀ r² के इक्वल होती है। तो मतलब कैपेसिटर और इंडक्टर बोथ आर एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस व्हाइल रेजिस्टर इज एनर्जी डिसिपेटिंग डिवाइस। द फंक्शन ऑफ ईएमएफ इज टू सप्लाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वाइल फंक्शन ऑफ कैपेसिटिव एलिमेंट, कैपेसिटर का क्या काम होता है, एंड इंडक्टिव एलिमेंट, इंडक्टर का क्या काम होता है, टू स्टोर एनर्जी। ओके, द एनर्जी इज डिसिपेटेड इन रेजिस्टर एलिमेंट। रेजिस्टर में एनर्जी डिसिपेट होती है। द रेट एट विच एनर्जी इज सप्लाइड बाय द सोर्स टू द ईएमएफ बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ, द रेट at which energy is supplied by the source of EMF must be equal to the rate at which energy is being stored in the capacitor and inductor plus the rate at which energy is being dissipated by the resistor. जिस रेट पे सोर्स हमें एनर्जी सप्लाई करती है उसी रेट पे एनर्जी इंडक्टर और कैपेसिटर में स्टोर होती है प्लस रेजिस्टर में डिसिपेट होती है।
मीन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो हमारा ओबे होता है, एप्लीकेबल होता है इन केस ऑफ आर एल सी सीरीज सर्किट। एनर्जी सप्लाइड इज इक्वल टू एनर्जी डिसिपेटेड और एनर्जी स्टोर्ड। द पावर डिसिपेशन इन कैपेसिटर एंड इंडक्टर इज जीरो। हमने बड़ी तफसील से पढ़ा है कि कैपेसिटर और इंडक्टर में पावर डिसिपेशन नहीं होती है, क्योंकि जितनी पावर सप्लाइड होती है उतनी पावर रिटर्न्ड होती है। इसलिए हमने ये बात कही थी कैपेसिटर और इंडक्टर जो हैं ये एनर्जी ये पावर डिसिपेट नहीं करते हैं, और इसकी वजह क्या थी, बिकॉज करंट एंड वोल्टेज इन फेज नहीं होते, बल्कि करंट और वोल्टेज के बीच में फेज एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। करंट एंड वोल्टेज आर 90 डिग्री आउट ऑफ फेज। कैपेसिटर में करंट 90 के एंगल पे लीड करता है वोल्टेज से, करंट 90 के एंगल पे वोल्टेज से लीड करता है, जबकि इंडक्टर में जो वोल्टेज होता है वो करंट से 90 के एंगल लीड करता है। दोनों के बीच में कैपेसिटर के केस में या इंडक्टर के केस में जो फेज एंगल होता है बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इट इज 90 डिग्री, इट इज 90 डिग्री। ठीक, वोल्टेज लीड किस में करता है, इंडक्टर में, इंडक्टर के लिए। करंट किस में लीड करता है, कैपेसिटर में, ठीक, बाय 90 डिग्री। देयरफॉर ओनली कंसीडर अ रेजिस्टिव एलिमेंट, सिर्फ रेजिस्टिव एलिमेंट जिसकी रेजिस्टेंस आर है उसको हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि वही पावर जो है वो डिसिपेट करता है। रेजिस्टर में करंट और वोल्टेज होते हैं वो इन फेज होते हैं, करंट और वोल्टेज इन फेज होते हैं, इसलिए मैक्सिमम पावर डिसिपेट होती है। इसलिए जितनी पावर सप्लाइड होती है उतनी पावर रिटर्न नहीं होती, पावर सप्लाइड ही होती है और सारी की सारी पावर डिसिपेट हो जाती है और रिटर्न नहीं होती है। कैपेसिटर और इंडक्टर में जितनी पावर सप्लाइड होती है उतनी पावर रिटर्न्ड होती है, लेकिन रेजिस्टर में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि करंट और वोल्टेज होते हैं वो इन फेज होते हैं और उनके बीच में फेज एंगल जो होता है 0 डिग्री होता है। द करंट थ्रू रेजिस्टर इज गिवन बाय, ये हम जानते हैं, आई आर, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट है थ्रू रेजिस्टर, आई आर इज इक्वल टू आई ओ आर या आई आर ओ, मैक्सिमम करंट थ्रू रेजिस्टर इंटू साइन ओमेगा टी। दिस इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट थ्रू रेजिस्टर। हम सिर्फ रेजिस्टर को जो है वो कंसिडर करेंगे, क्योंकि पावर डिसिपेशन सिर्फ रेजिस्टर के अंदर होती है। सो आई आर, करंट थ्रू रेजिस्टर इज इक्वल टू आई आर ओ साइन ओमेगा टी। द रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन इन रेजिस्टर इज कॉल्ड पावर डिसिपेशन। द रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन इन रेजिस्टर इज कॉल्ड पावर डिसिपेशन गिवन बाय जूल्स हीटिंग इफेक्ट। इसे जूल हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। पी इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर, पी इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर, आई स्क्वेयर आई आर स्क्वेयर, क्योंकि रजिस्टर की बात हो रही है। पी इज इक्वल आई आर स्क्वेयर इंटू कैपिटल आर, तो आई आर की वैल्यू पुट कर दें, आई आर की ये वैल्यू हमारे पास है, ये हमने पुट कर देनी है यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, आई ओ आर का स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी इंटू आर, ए आर का आर वैसा का वैसा आ गया, बाकी जो है वो आई आर, आई ओ आर का स्क्वेयर और साइन स्क्वेयर ओमेगा टी। वी कैन राइट ओवर हियर पी इज इक्वल टू आई ओ आर, आई ओ आर का स्क्वेयर इंटू आर, और ये जो साइन थीटा था ना, ये साइन ओमेगा टी था, इसने हमें लिखा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी ओवर 2। ठीक, ये प्रॉपर्टी होती है साइन की, साइन थीटा जो होता है, ये आपने एफएससी में पढ़ी हुई है, साइन थीटा जो होता है, याद रखिएगा, साइन थीटा
इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2 होता है, साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 2 थीटा डिवाइड बाय 2, 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर, दिस इज व्हाट साइन स्क्वायर थीटा। अब थीटा क्या है यहाँ पे हमारे पास, ओमेगा टी आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी ओवर 2। ठीक, ये साइन स्क्वायर थी ओमेगा टी को हमने इस फॉर्म में लिख लिया। The average energy stored in inductive or capacitive element remains constant over any complete cycle. Okay, average energy होती है इंडक्टर और कैपेसिटर में, वो constant होती है। In fact, energy is transferred from the source of EMF to the resistive element where it is dissipated. कैपेसिटर और इंडक्टर में वो कांस्टेंट रहती है, तो जब रेजिस्टर जब वो डिसिपेट करेगा तो जारी बात है बैटरी जो सोर्स है उसको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, जितनी वो रेजिस्टर उसको जो है वो कंज्यूम कर रहा है, डिसिपेट कर रहा है, उतनी एनर्जी जो है वो सप्लाई भी तो हो रही होगी ना, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को उबे करने के लिए ये जरूरी है। सो द एवरेज पावर डिसिपेटेड इन रेजिस्टर ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज डिफाइंड एज पी एवरेज। अभी एवरेज पावर निकालेंगे, एवरेज पावर इज इक्वल टू टोटल पावर डिसिपेटेड इन इंटरवल ऑफ टाइम डिवाइड बाई इंटरवल ऑफ टाइम। तो इंटरवल ऑफ टाइम मतलब एक साइकिल की बात हो रही है, तो फिर क्या लिखेंगे, एवरेज पावर इज इक्वल टू टोटल पावर डिसिपेटेड, मतलब हम इंटीग्रल ले लेंगे 0 टू टी, कंप्लीट इंटीग्रल 0 टू टी, और क्योंकि पावर की बात हो रही है पी लिखेंगे, 0 टू टी पी डी टी, डी डी टी, और इंटरवल ऑफ टाइम मीन पूरा साइकिल, और एक साइकिल का टाइम पीरियड होता है टाइम पीरियड, उसको टाइम लिखते हैं कैपिटल टी, ये कैपिटल टी, यहाँ लिखा 1 बाई टी इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 2 पी डी टी। जो पी की वैल्यू है हमें पुट कर देनी है, जो पी इज इक्वल टू हम जानते हैं ये थी वैल्यू हमने पीछे पढ़ी, आई ओ आर स्केयर आर आर इंटू 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर इक्वल 2 ओमेगा टी ओवर टी। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पुट की है पी की, और आई ओ आर स्केयर इंटू कैपिटल आर को हमने ये इंटीग्रल से बाहर निकाल दिया है, क्योंकि ये 1 बाई टी का 1 बाई टी वैसे का वैसा आ गया, और इंटीग्रल 0 टू टी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी ओवर 2 इंटू डी टी। अब हम लेट कर लेते हैं, पुट थीटा इज इक्वल ओमेगा टी, ओमेगा टी यहाँ पे इसको थीटा पुट कर लेते हैं, पुट थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। देखिए जब हम डेरिवेटिव लेंगे डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी टी, डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी टी, अगर यहाँ से डी टी निकालना चाहें डी टी किसके इक्वल आ जाएगा, डी टी इज इक्वल टू डी थीटा ओवर ओमेगा, डी थीटा इज इक्वल डी टी इज इक्वल टू डी थीटा डिवाइड बाय ओमेगा, तो डिवाइड बाय ओमेगा, तो इस जगह पे जो हमारी वैल्यू आ जाएगी तो आ जाएगी डी थीटा ओवर ओमेगा, ये हम रिप्लेस करेंगे। दूसरा जो टी होता है ये टाइम पीरियड, तो हमें पता है टी किसके इक्वल होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा होता है, टी इज इक्वल टू
2 पाई ओवर ओमेगा, या ओमेगा इज इक्वल 2 पाई ओवर टी होता है ना, या टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। याद रखिएगा जो टी होता है 2 पाई ओवर ओमेगा के इक्वल होता है। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, टी की वैल्यू 2 पाई ओवर ओमेगा, 1 माइनस 0 टू टी ए इसी का रहेगा 1 माइनस कॉस 2 ए थीटा आ जाएगा ओवर 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी डी थीटा ओवर ओमेगा। इस डी टी को भी हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ये when t is equal to 0 theta is equal to 0, when t is equal to capital T theta is equal to 2 pi, पूरे साइकिल का जो एंगल होता है वो 2 pi होता है, पूरे साइकिल का जो एंगल होता है वो, जब टाइम 0 है एंगल भी 0 है, फिर यूं साइकिल मुकम्मल हुआ। हम जानते हैं एक टाइम जो है टाइम पीरियड लगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 90, यहाँ पे 180, यहाँ पे 270, यहाँ पे 360, और पाई में यहाँ पे 0, यहाँ पाई बाई 2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3 पाई बाई 2, यहाँ पे 2 पाई आ जाएगा। जब टाइम जो पूरा कैपिटल टी होता है तो उसको एंगल जो था 2 पाई होता है। सो वी रिप्लेस द लिमिट्स, टी एवरेज इज इक्वल टू आई ओ आर स्क्वायर ओवर आर, ये 1 ओवर टी था उसकी वैल्यू पुट कर दी 2 पाई ओवर ओमेगा, ये हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी टी की 2 पाई ओवर ओमेगा इनटू इंटीग्रल 0 टू, ये टी की बजाय 2 पाई लिखा हमने, 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर टी, और इनटू डी टी था, डी टी की वैल्यू पुट कर दी डी थीटा ओवर ओमेगा। अब ये जो ओमेगा है अब ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा ऐसे यहाँ पे, और ये जो ओमेगा ये नीचे रहेगा, इस ओमेगा से ये जो ओमेगा होगा जब ऊपर आ जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा कैंसिल, ओमेगा हमारे पास आया आई ओ आर स्क्वेयर कैपिटल आर वो 2 पाई, और यहाँ पे हमने लिमिट से पाई कर इंटीग्रल इंटीग्रेट कर दिया कि 1 बाई 2 डी थीटा माइनस माइनस 1 बाई 2 कॉस 2 थीटा इंटू डी थीटा। तो जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ जाएगा ये 1 बाई 2 डी थीटा आ जाएगा थीटा बाई 2, ये थीटा बाई 2 आ जाएगा हमारे पास थीटा बाई 2, ये जब इसको 1 बाई 2 को जब हमने अलग अलग बटा कर देना इसका 1 बाई 2, तो माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, तो अलग अलग इंटीग्रल अप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास थीटा बाई 2 आ जाएगा इसका, और इधर आ जाएगा कॉस 2 थीटा की साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा इंटू 1 बाई 2 आना था, तो 2 ये नीचे बटे में आना था, तो ये 4 हो जाना था, और लिमिट्स हैं 0 टू 2 पाई। आप बारी बारी लिमिट्स अप्लाई कर दें इसके ऊपर भी, इस पे थीटा की बजाय 2 पाई ओवर 2 माइनस 0 बाई 2, तो आ जाएगा 2 पाई बाई 2 माइनस 0 ही आ जाएगा, और इस पे अप्लाई करेंगे माइनस अपर लिमिट साइन 2 इंटू 2 पाई, 2 इंटू 2 पाई साइन 4 पाई ओवर 4 माइनस 0 पुट करेंगे साइन 0 ओवर 4, ठीक है साइन 0 ओवर 4 लिखेंगे, तो साइन 0 0 होता है, साइन 0 0 ये 0 हो जाएगा सर, अच्छा साइन 2 4 का भी 0 होता है इसमें, ये भी 0 हो गया, ये सारा फैक्टर जो है वो 0 हो जाएगा। ये 2 पाई से 2 पाई से 2 से 2 कैंसिल हो गया, या 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया हमारे पास, तो ये हमारे पास आ गया पी इज इक्वल आई आर आई ओ आर स्क्वेयर आर डिवाइड बाई 2, ये आई ओ पी इज इक्वल टू आई ओ आर स्क्वेयर डिवाइड बाई 2। अब जो आई ओ आर होता है ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट की रजिस्टर है, तो इसको हम लिख सकते हैं पी एवरेज इज इक्वल टू आई ओ आर ओवर 2 अंडर रूट होल का स्क्वायर, ठीक है ये जो 2 है ना इसको हमने क्या किया, इसको हमने लिखा 1 बाई 2 का 1 बाई 2 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 2 का स्क्वायर, उसके अंदर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगी, 2 ही रह जाएगा ऐसे काफी। अब इसका जो स्क्वायर था ऊपर आई ओ आर का स्क्वायर था, हमको एक ही स्क्वायर के अंदर कर लिया, हमारे पास आ गया आई ओ आर ओवर अंडर रूट 2 का स्क्वायर, जो आर ये बन गया हमारे पास आई आर एम एस वैल्यू, ठीक है ये आई ओ आर ओवर अंडर रूट 2 जो है ना ये आर एम एस वैल्यू ऑफ द करंट है, इसको हम लिखते हैं आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू कैपिटल आर, दिस इज द पावर डिसिपेशन इन रेजिस्टर, द एवरेज पावर डिसिपेशन इन रेजिस्टर कनेक्टेड विद एसी सर्किट एसी करंट सोर्स
इज दिस वन, ई इज इक्वल टू, ई हमारे पास निकल आएगी। करंट सोर्स के साथ अगर हम डीसी उसको कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास पावर डिसिपेशन आएगी आई आर एम एस का स्क्वायर इनटू कैपिटल आर। द एवरेज पावर डिसिपेशन इज जस्ट कनेक्टेड विद डीसी करंट सोर्स इज आई स्क्वायर आर, डीसी के साथ होता है आई स्क्वायर आर के आर, और एसी के साथ होता है आई आर एम एस का स्क्वायर इनटू आर। बोथ आर इक्विवेलेंट, दोनों बराबर होते हैं। नो, रूट मीन स्केयर वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज क्या होती है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसकी हमने दो डेफिनेशन की थी कि रूट मीन स्केयर वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट, या इसको वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट भी कहते हैं। रूट मीन स्केयर वैल्यू ऑफ करंट या इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट या वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट इज दैट डायरेक्ट करंट विच वुड प्रोड्यूस हीट इन अ in a given resistor at the same rate as by alternating current in that resistor. So mathematically हम कहते हैं कि ये root mean square value current जो होती है वो क्या होती है, the square root of mean squared value of current or voltage. तो ये IRMS value जो है I not over under 2 होता है, ये आप already कर चुके हैं, और voltage की VRMS को भी not over under 2 होती है, ठीक है। Most alternating current and voltmeters are calibrated to read RMS value. आमतौर पर जो हमारे पास मीटर्स होते हैं करंट या वोल्टेज के alternating current और voltage मेजरमेंट करने के लिए, वो समय उसकी RMS value बता रहे होते हैं। और RMS value आपने बता दी कि ये डायरेक्ट करंट होता है जो उतना ही इफेक्ट रखता है जितना alternating current जो है वो एक रजिस्टर के अंदर जितना इफेक्ट रखता है। पावर डिसिपेशन इन आर एल सी सर्किट, कंसिडर अगेन आर एल सी सीरीज सर्किट अलॉन्ग विद ए सी वोल्टेज सोर्स ऑफ ई एम एफ ई। द ए सी ई एम एफ इज गिवन बाय ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये वोल्टेज होगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ई वोल्टेज, और करंट की वैल्यू क्या होगी ए सी करंट, आर एल सी सीरीज सर्किट इज इक्वल टू आई इज इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू आपकी हम ले लेते हैं करंट, और इन दोनों के बीच में फेज एंगल जो है वो फाइव है, इन फाइव का डिफरेंस है दोनों के बीच में एंगल जो है ये इतना डिफरेंस है, ठीक है। क्योंकि हम बात करें आर एल सी सीरीज सर्किट की, तो उसमें करंट और वोल्टेज के बीच में कोई ना कोई फेज डिफरेंस होगा, तो हम सपोज कर लेते फाइव है लेकिन पता नहीं कितना होगा, इसलिए आर एल सी सीरीज सर्किट में हम जनरल लेते हैं जो करंट आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन इंटू ओमेगा टी माइनस फाइव। सो पावर डिसिपेशन आर एल सी सीरीज सर्किट इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू ई एम एफ इंटू आई, करंट और वोल्टेज का प्रोडक्ट जो होता है वो पावर डिसिपेशन होता है, पी इज इक्वल टू ई इंटू आई। तो ई जो है हमारे पास ये वोल्टेज है ई नॉट साइन थीटा, और आई नॉट आई की वैल्यू आई नॉट साइन मेगा टी माइनस फाइव होगा। पुट कर दें वी गेट पी इज इक्वल टू, ये हमारे पास है वोल्टेज की वैल्यू वी ई नॉट साइन मेगा टी, और करंट की वैल्यू आई नॉट साइन मेगा टी माइनस फाइव। तो ये आ जाएगा ई नॉट आई नॉट, ई नॉट आई नॉट साइन मेगा टी इंटू साइन मेगा टी माइनस फाइव। तो ये साइन अल्फा माइनस बीटा की प्रॉपर्टी है, वेरी सिंपल, साइन अल्फा माइनस बीटा क्या आ जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस फाइव माइनस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। अब इस साइन ओमेगा टी को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें दोनों के साथ, इधर भी और इधर भी मल्टीप्लाई कर दें अंदर, और ये बाहर रहने दें ई नॉट आई नॉट, ये ई नॉट आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी को अंदर मल्टीप्लाई किया, साइन स्केयर ओमेगा टी कॉस फाइव माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। अब E नॉट I नॉट को मल्टीप्लाई करने P इज इक्वल टू E नॉट I नॉट साइन स्केयर ओमेगा टी कॉस फाइव माइनस E नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। अब ले लें कि एवरेज वैल्यू, द एवरेज पावर डिसिपेटेड इन अ करंट इन अ सर्किट ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज डिफाइंड एज। अब इस चीज की जो एवरेज पावर होगी P इज इक्वल टू E नॉट I नॉट कॉस फाइव, ये इस चीज साइन स्केयर ओमेगा टी की, जो क्योंकि स्केयर है ना तो
जो साइन होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और जो हाँ 0 और 1 के बीच में उसकी वैल्यू होगी। तो हम फिर क्या लिखेंगे एवरेज वैल्यू के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी की, 0 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये एवरेज वैल्यू है, 0 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 1 बाई 2 आ गई। साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जो वैल्यू होगी एवरेज वैल्यू वो 1 बाई 2 होगी, तो यहाँ पे हम 1 बाई 2 लिख सकते हैं, 1 बाई 2। जबकि इस तरफ जो है हमारे पास ये साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ये इनकी साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, इनकी जो एवरेज वैल्यू होगी दोनों की वो 0 होगी। साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू 0, क्योंकि साइन और कॉस की वैल्यू मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1, तो 1 -1 0 हो जाएंगी। तो ये हमारे पास आ जाएगी एवरेज वैल्यू ऑफ साइन एंड कॉस, दोनों के प्रोडक्ट की वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी। स्क्वेयर में माइनस साइन ही होता है ना, प्लस उधर पर से मैक्सिमम वैल्यू +1 ही रहनी है, और मिनिमम वैल्यू स्क्वेयर में 0, 0 प्लस 1, ठीक है, डिवाइड बाई 2। तो इसमें क्योंकि स्क्वेयर नहीं है ना इस चीज़ के अंदर साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी में, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 होगी, तो 1 -1 डिवाइड बाई 2 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू ये 0 पुट करेंगे तो ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा, ये वाला फैक्टर सारा 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इधर यहाँ पे हम 1 बाई 2 पुट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा पी इज इक्वल टू 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट आई नॉट कॉस फाई। सो पावर इज इक्वल टू, एवरी पावर इज इक्वल टू 1 बाई 2 ई नॉट आई नॉट कॉस फाई। अगेन हम लिख सकते हैं ई नॉट को ई नॉट ओवर अंडर टू और आई नॉट को आई नॉट ओवर अंडर टू। जब दोनों ये दोनों स्केयर होगा ना, तो क्योंकि अंडरूट लिखी हुई है तो उसके अगर अंडरूट कैंसिल हो जाएगा वो 2 ही रह जाएगा, ये चीज़ रह जाएगी। तो इस 2 को हमने दो मरतबा लिखा है, √2 × √2। तो एक दफा एक √2 को हमने ई नॉट का √ बटा कर दिए और एक दफ़ा आई नॉट का बटा कर दिए, तो ये कॉस 5 वैसा का वैसा हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि ये चीज़ क्या है, कि आर एम एस वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, आर एम एस वैल्यू ऑफ वोल्टेज और ये आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट, ठीक। तो इन टू यहाँ पर पी इज इक्वल टू ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव, ये वेरी फेमस रिलेशन निकल रहा है। द टर्म कॉस फाइव इज कॉल्ड पावर फैक्टर, कॉस फाइव इज कॉल्ड पावर फैक्टर और इट्स वैल्यू इज गिवन फ्रॉम द इंपीडेंस ऑफ द डायग्राम। कॉस फाइव इज इक्वल टू आर बाई जी होता है, और कॉस फाइव इज इक्वल आर बाई जी जो होती है वो आर एल से सीरीज सर्किट में इक्वल होता है आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वेयर 4 की स्क्वेयर। द पावर डिलीवर्ड बाई सोर्स टू सर्किट इज मैक्सिमम व्हेन कॉस फाइव हैज मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। ये कॉस फाइव की मैक्सिमम वैल्यू भी रजिस्टर के अंदर होती है और ये 1 वैल्यू होती है, क्योंकि कॉस थीटा जो होता है वो जो फाइव होता है वो 0 होता है, कॉस 0 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, फाइव 0 होता है रजिस्टर में, इसलिए पावर डिसिपेशन जो है मैक्सिमम होती है। पावर फैक्टर क्या होता है, व्हाट इज पावर फैक्टर, द रेशियो ऑफ पावर डिसिपेटेड टू पावर सप्लाइड, द रेशियो ऑफ पावर डिसिपेटेड टू पावर सप्लाइड इज कॉल्ड पावर फैक्टर, और इसकी वैल्यू 1 होती है किसके लिए, रजिस्टर के लिए, इंडक्टर के लिए 0, कैपेसिटर के लिए 0, आर सी सर्किट के लिए बिटवीन 0 एंड 1, आर एल सर्किट के लिए बिटवीन 0 एंड 1, डिपेंड करता है वैल्यू के थीटा की वैल्यू। कॉस फाइव इज इक्वल टू 1 फॉर रेजिस्टर एंड दिस इज पॉसिबल एट रेजोनेंट, आर एल सी सीरीज सर्किट में रेजोनेंट के ऊपर क्या होता है, द फ्रीक्वेंसी एट विच इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स एल एक्स सी के इक्वल होती है, इस कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में एक्स एल एक्स सी के इक्वल होगा। जब ऐसा होगा तो कॉस फाइव इज इक्वल आर ओवर आर स्क्वेयर प्लस, ये दोनों इक्वल और डिफरेंस 0 हो जाएगा, तो
तो ये खत्म हो जाएगा, बाकी आर की स्क्वेयर वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, आर बाई आर आ जाएगा, तो आर बाई आर वन के इक्वल होता है, इसलिए पावर फैक्टर की वैल्यू वन होगी। आर एल सीरीज सर्किट में एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इसलिए हमने कहा था कि आर एल सी सीरीज सर्किट में रेजोनेंस के ऊपर इम्पिडेंस होती है वो मिनिमम होती है, सिर्फ आर के इक्वल होती है, इम्पिडेंस सिर्फ आर के इक्वल होती है, इसलिए अगर हम कॉस फाइव को आर ओवर जी लिखा था ना, तो आर ओवर आर का दिन वन आएगा, ठीक है, तो इसलिए पावर फैक्टर की वैल्यू जो थी वो वन होती है। याद रखना है आर एल सी सीरीज सर्किट में एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर इज इक्वल टू वन होती है। तो मैक्सिमम पावर डिसिपेशन इज डिसिपेटेड रेजिस्टर एट रेजोनेंस इज पी इज इक्वल, क्योंकि कॉस फाइव की वैल्यू वन वन थी, तो पावर डिसिपेशन इज इक्वल टू ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस, दिस इज पावर डिसिपेशन इन ए सी सर्किट्स। That's all. Allah Hafiz.